वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेमबो। दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों अविवाहित लड़कियों में स्तन से दूध पानी या खून का निकलना दोस्तों, या जिसको बोलते हैं निप्पल डिस्चार्ज इन गर्ल्स। दोस्तों डॉक्टर्स की ज्यादातर जो ओपीडी होती है उसमें जो 5 से 10% जो केसेस होते हैं उनमें इस तरीके के केसेस पाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जनरली अगर निप्पल डिस्चार्ज की हम बात करें तो निप्पल डिस्चार्ज जो होता है प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में, मतलब गर्भावस्था के अंतिम हफ्ते में होता है, या फिर क्या होता है बच्चे के जन्म के बाद में होता है दोस्तों। बट दोस्तों जो निप्पल डिस्चार्ज होता है दोस्तों वो प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है दोस्तों। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि वो कौन सा ऐसा निप्पल डिस्चार्ज होता है जो प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है दोस्तों। सो अगर हम निप्पल डिस्चार्ज की बात करें दोस्तों तो निप्पल डिस्चार्ज दोस्तों 4 तरीके का होता है दोस्तों। इसमें पहले में क्या होता है कि सफेद दूध सा पदार्थ का निकलना, दूसरा क्या होता है कि पानीदार मतलब पानी सा पदार्थ का निकलना निप्पल से बाहर, या तीसरा हरे रंग का पदार्थ का निकलना दोस्तों। जनरली हरे रंग का जो पदार्थ होता है वो इन्फेक्शन के केसेस में निकलता है दोस्तों, या गुलाबी या लाल रंग का मतलब ब्लड निकलना दोस्तों, ये जो होता है ट्यूमर की वजह से दोस्तों होता है, या पेपिलोमा की वजह से दोस्तों लाल रंग का पदार्थ निकलता है दोस्तों। सो जनरली जो पहला और दूसरा केस होता है सफेद दूध सा पदार्थ या पानी दार निकलना दोस्तों, वो सामान्यता केस में होता है दोस्तों और सामान्य भी हो सकता है। बट जो होता है हरे रंग का या गुलाबी रंग का जो पदार्थ निकलता है दोस्तों वो सामान्य केस होता है दोस्तों। सो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे सामान्य के निप्पल डिस्चार्ज के क्या कारण हैं और असामान्य निप्पल डिस्चार्ज के दोस्तों क्या कारण हैं दोस्तों। दोस्तों अगर सामान्य निप्पल डिस्चार्ज की मैं बात करूं दोस्तों साधारणतः, तो ये हो सकता है मालिश की वजह से, या किसी के स्पर्श या छूने की वजह से हो सकता है दोस्तों, या फिर आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें किसी तरीके का स्किन इरिटेशन या जलन की वजह से हो सकता है, या टाइट ब्रा या इनर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी दोस्तों, एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो दवाई होती है कुछ मेडिसिन जैसे हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या नशे की दवाई, या जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी दोस्तों ऐसा हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा जो बहुत बड़ा एक कारण है दोस्तों वो यौन उत्तेजना या एक्साइटमेंट की वजह से दोस्तों भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों ये जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों ये गंभीर हो जाता है कि अगर ये जो इस तरीके का निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है वो केवल सिर्फ एक स्तन से दोस्तों होता है दोस्तों, या फिर जो निप्पल का जो बिना दबाए या बिना एक्साइटमेंट के ही उससे जो होता है किसी तरीके का फ्लूइड का निकलना, वो भी एक गंभीर समस्या होती है दोस्तों। उसके अलावा अगर 40 साल तक लड़की कुंवारी है, मतलब उसके बाद भी अगर उसके से निप्पल्स में से डिस्चार्ज होता है 40 साल के बाद में, कुंवारेपन के बाद में भी अगर निप्पल से डिस्चार्ज होता है 40 साल के बाद, तो भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है दोस्तों। अगर मैं असामान्य निप्पल डिस्चार्ज की बात करूं दोस्तों, तो असामान्य निप्पल डिस्चार्ज के जो कारण होते हैं, सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है हार्मोन डिसऑर्डर। हार्मोन में दोस्तों स्पेशली क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसके अलावा भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर हो सकता है पिट्यूटरी का ट्यूमर जो दिमाग में ट्यूमर होता है उसकी वजह से हो सकता है। बट इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का होना बहुत बड़ा एक कारण होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। जनरली जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का दोस्तों जो लेवल होता है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में या गर्ल्स में दोस्तों 2 से 29 ng/ml होता है, और अगर प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें तो उसमें इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है। बट जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में गर्ल्स में इसका लेवल बढ़ जाने की वजह से भी दोस्तों जो होता है निप्पल से अबनॉर्मल सिक्रीशंस होने लगते हैं, वो किसी भी तरीके का सिक्रीशन हो सकता है दोस्तों, जैसे मैंने 4 सिक्रीशन डिस्कस करें दोस्तों। अगर उसके अलावा भी दोस्तों जो निप्पल डिस्चार्ज के जो कारण होते हैं सामान्य निप्पल डिस्चार्ज के, जैसे कि क्या होता है कि जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होना, या ब्रेस्ट में कोई तरीके की गांठ या सिस्ट होना दोस्तों, या इसके ब्रेस्ट में कोई तरीके की चोट लग जाना, या फिर दोस्तों कैंसर की वजह से भी दोस्तों क्या होता है अबनॉर्मल निप्पल डिस्चार्ज दोस्तों हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें निप्पल का जो या ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होगा, पता करना होगा कि उसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं तथा क्या होता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपको निप्पल का जो स्ट्रक्चर दिखाऊं दोस्तों इंटरनल का, तो उसमें क्या होता है कि निप्पल आप देखिए जिसमें जहां से सिक्रीशन होता है उसके अंदर दोस्तों अगर आप देखो एकदम लोब्यूल्स होते हैं दोस्तों, लोब्यूल्स होते हैं जहां पे मिल्क इकट्ठा होता है, दूध बनता है। अब जनरली क्या होता है दोस्तों कि इनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, यहाँ पर सिस्ट बन जाती है, मतलब कोई गांठ हो जाती है, फाइबर की गांठ हो जाती है दोस्तों, या इसके अलावा इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है, या मिल्क डक्ट दोस्तों क्या
करती हैं, लोब्यूल से लेकर जो मिल्क जो होती है वो निप्पल तक लेकर आती हैं दोस्तों। इनमें भी किसी तरीके की कोई गांठ बनना, कोई इन्फेक्शन होना दोस्तों, या किसी तरीके की चोट लगने या दबने की वजह से भी दोस्तों एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है दोस्तों। वो इस तरीके का होता है कि गांठ बन जाती है दोस्तों, फाइबर की गांठ बन जाती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या नॉर्मल सिस्ट बन जाती है, तो जिस वजह से क्या होता है सिक्रीशन या डिस्चार्ज पर दोस्तों असर पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द भी होता है और भी समस्याएं दोस्तों हो सकती हैं। सो दोस्तों अगर आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्टर आपका शारीरिक एग्जामिनेशन करेंगे आपका, उसके बाद में हार्मोनल टेस्टिंग जो होती है वो करवाएंगे, जैसे प्रोलैक्टिन या TSH करवाएंगे दोस्तों, उसके साथ साथ में मेमोग्राफी मतलब जो ब्रेस्ट का जो एक्सरे होता है वो करवा के देखेंगे दोस्तों कि सूजन के बारे में, साथ में MRI और CT स्कैन करवाएंगे दोस्तों जो बताता है कि गांठ कितनी बड़ी है तथा उसका लेवल कितना बढ़ गया है दोस्तों। उसके अलावा अगर गांठ पाई जाएगी तो दोस्तों इसमें FNAC होगा दोस्तों। FNAC में दोस्तों क्या होता है कि नीडल के जरिए जहां पर गांठ होती है उससे फ्लूइड निकाला जाता है तथा उसकी कैंसर के लिए जांच होती है दोस्तों। अगर वो एबनॉर्मल आती है दोस्तों उसके बाद क्या होगा, उसमें से कुछ टुकड़ा निकाल के उसकी जांच होगी तथा कंफर्म करने के लिए दोस्तों कैंसर है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों इन फाइंडिंग के बाद में दोस्तों आपके डॉक्टर जो भी होगा उसके बाद अगर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलेगा उसको सुखाने के लिए, अगर हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम होगी तो हार्मोन्स की टैबलेट्स दी जाएंगी जिससे क्या होगा कि हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल हो जाए दोस्तों, या अगर सिस्ट या होगा कोई गांठ होगी या ट्यूमर होगा तो उसके लिए सर्जरी होगी दोस्तों, और अगर कैंसर होगा दोस्तों सो उसके लिए रेडिएशन या कीमोथेरेपी होगी दोस्तों। सो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन दबाएं जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।